जुड़ चुके हैं। भसीन साहब, स्वागत है आपका। अमेरिका के बाजारों में गिरावट के बाद भारतीय बाजार थोड़े से गैप डाउन ओपन होने की तैयारी दिखा रहे हैं। यूएस के फॉल को आपने किस तरह से रीड किया और हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को आपकी क्या राय होगी आज? गुड मॉर्निंग टू यू सर। गुड मॉर्निंग हेमंत, आपको भी और हर्षिता को भी। और आज बल्ले बल्ले नहीं है, आज थोड़ा सावधानी है, लेकिन मुझे अब एक हफ्ता हो गया मैं अपने ऑफिस से ही ऑपरेट कर रहा हूँ। सो थम्स अप टू कमिंग बैक रीओपनिंग। लेकिन हेमंत, यहां मैं कहना चाहूंगा कि अगले दो हफ्ते कैन बी वेरी वॉलेटाइल, तो डोंट ट्राई एंड टाइम द मार्केट एंड बाय द डिप्स, बी पेशेंट, क्योंकि मार्केट में अभी डाउन साइड शुरू हुआ है, थोड़ा हो सकता है। वी वर वन ऑफ द कैंप्स जिसने कहा 10,000-10,200 पे ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन और आपको एक अच्छी करेक्शन के लिए तैयार होना चाहिए। इन द यूएस मार्केट्स आपने देखा है कि इट्स बीन अ वन वे नॉन स्टॉप रैली और अभी मुझे लगता है 10% से 12% तक का करेक्शन अभी अनिवार्य है। दैट विल बी हेल्दी फॉर द मार्केट। सो सेकेंड हाफ ऑफ जून इज गोइंग टू बी वॉलेटाइल। आपको जो आदत थी बाय द डिप्स वो अभी रुकिए। अगर आप पोर्टफोलियो बिल्डर्स हैं और ये दो हफ्ते की वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं तो केयरफुली गेट इन टू गुड स्टॉक्स, बट बी पेशेंट, द मार्केट इज गोइंग टू शो वॉलेटिलिटी एंड वी डोंट रूल आउट 9200 बींग टेस्टेड इन दीज 2 weeks। तो इफ इट ऑल मार्केट फिर 9200 की तरफ जाता है, क्योंकि जून के लिए देखिए भसीन साहब, आपको याद होगा सबने कहा था कि रिकवरी आएगी लेकिन ब्रॉडर जो रेंज रहेगी वो 9,000 से 10,000 की रहेगी और जून के पहले कुछ दिनों में ही हमने 10,000 पर कब्जा कर लिया और उसके ऊपर के सपने देखने लगे थे। तो क्या 9200, क्योंकि आपने कहा वो लेवल आ सकता है, एक अपॉर्चून लेवल रहेगा फिर से फुली इन्वेस्ट करने के लिए जो बिल्कुल पार्टिसिपेट स्पेशली नहीं कर पाए थे पिछले फॉल में? करेक्ट हर्षिता, 100% यू हिट द नेल ऑन द हेड कि मैं ये कह रहा हूं दो हफ्ते वॉलेटाइल रहेंगे विद अ डाउनवर्ड बायस। इसका मतलब ये नहीं कि वी आर गोइंग इनटू अ फ्री फॉल, बट ये उनके लिए मौका है जिन्होंने 9000 से या 10000 की रैली मिस कर दी। और आपको जहां 93 या 95 या आज भी अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे शेयर लगते हैं तो उनमें दो हफ्ते के लिए सिप कीजिए। आई एम वेरी श्योर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वी शुड बी अगेन थ्रू दिस करेक्शन एंड अप एंड गोइंग। तो ये दो हफ्ते एक मौका भी है, लेकिन ज्यादा जल्दी नहीं करनी क्योंकि आपको भाव यहां से नीचे भी मिल सकते हैं सिंस वी हैव नॉट हैड अ नॉन स्टॉप करेक्शन और करेक्शन यहां से थोड़ी सिवियर भी हो सकती है। बट हर्षिता, यहां मैं पॉइंट आउट करूंगा कि मिड कैप्स में जो फ्लेवर है, जो मैंने आपके यहां पहले भी कहा था 8,000-8,500 पे, वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ब्रॉडर मार्केट आउट परफॉर्म कर रही है। तो अपनी स्टॉक सिलेक्शन कीजिए, अच्छे फंड लीजिए या अच्छे आप कोई इन्वेस्टमेंट मैनेजर से मिलिए जो आपको बताए कि कहां स्ट्रेंथ है। काफी रिजल्ट्स आ चुके हैं, बट जैसे आपने सही कहा, इफ वी गो टूवर्ड्स 9200, बिलो 9500 इट्स अ चांस टू अक्यूमुलेट गुड स्टॉक्स विद अ टू वीक होराइजन दैट द मार्केट कैन बी वॉलेटाइल। बहुत सही बात आपने कही। तो देखिए 7,600 का स्तर 23 मार्च पे था, 10,200 तक करीब करीब हम गए, 33% की रिकवरी। और उसके बाद जो भसीन साहब आपको कह रहे हैं कि 9,200 टेस्ट हो सकता है, यानी 10% हम वहां से रिट्रेस हो सकते हैं, तो 10% रिट्रेस भी अगर होते हैं तो भी देखिए हम मार्च के 23 के लो से तो ऊपर ही कारोबार कर रहे होंगे। भसीन साहब, आपने कहा कि पोर्टफोलियो के लिहाज से कुछ अच्छे स्टॉक्स अगर नीचे के भाव पर मिलते हैं जिन्होंने रैली मिस कर दी है तो खरीदने चाहिए, वो स्टॉक्स बताइए जहां पर नजर होनी चाहिए, तो खरीदेंगे तो जब वो नीचे आएंगे और जब 9,200 का आएगा, लेकिन कम से कम वो शॉपिंग लिस्ट तो तैयार हो, बताइए सर। हाँ, तो देखिए हेमंत, आपको पहली बात तो मैं बताऊं, मैंने आपको बहुत कन्विक्शन के साथ एक शेयर कहा था जो लेके मेरी हर लिस्ट पे था, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, 540, 575, 620, 675 का टारगेट था, वो कल हिट हो चुका है। आपको 600 के करीब मिले तो लीजिए, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन इज बैक इन फैशन। आपने देखा है जो ट्रांसपोर्ट की कंपनी जो कह रही है 2.5 times ज्यादा ट्रैफिक हो चुका है इन द मंथ ऑफ जून शुरुआत में, और हमें पता है कि आवागमन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स इज गोइंग टू बी ऑन द कार्ड्स एंड दैट्स व्हाई ट्रांसपोर्टेशन एंड द रिस्क विद दैट बिकम्स वेरी वेरी मिनिमम। श्रीराम ट्रांसपोर्ट ने काफी मॉरेटोरियम भी 33% किया है, बट देयर कॉस्ट ऑफ फंड इज स्टिल लो और वो एनसीडी रेज कर रहे हैं। दैट विल बी वन ऑफ माय टॉप पिक्स, हाउएवर ओनली ऑन करेक्शंस बिकॉज इट हैज मेट ऑल आवर टारगेट। फिर मैं लार्ज कैप में जाऊंगा, L&T, अल्ट्राटेक, रिलायंस, ICICI, HDFC बैंक एंड आई वुड से सिप्ला, ये 5 शेयर स्टैंड आउट करेंगे। मिड कैप में आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा टाटा कंज्यूमर, IGL,
मुझे मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत पसंद है और बैंक्स में अब री रेटिंग हो रही है, और मुझे पसंद है एसबीआई लाइफ। आज एसबीआई लाइफ में एक 2% का स्टेक टू गेट इट्स पेरेंट स्टेक डाउन टू 25 एसबीआई इज ऑफलोडिंग। मैं सबको कहूंगा कि एसबीआई लाइफ में जरूर सब्सक्राइब करिए, दिस इज अ क्वालिटी स्टॉक एंड इंश्योरेंस इज अ नो ब्रेनर। ये 725 का भाव आपको शायद आगे दिखेगा नहीं इस साल में, और मेरा अगर लॉन्गर टर्म व्यू है तो 950 का टारगेट मुझे दिखता है बाय द एंड ऑफ द ईयर। ओके, और इनफैक्ट मेरा एसबीआई लाइफ पर ही आपसे सवाल था और आपने कह ही दिया है कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, 950 के लेवल्स एट द एंड ऑफ द ईयर देखने को मिलेंगे। तो हमारे रिटेल दर्शकों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, 15 तारीख यानी कि सोमवार को खुलेगी, ओएफएस में पार्टिसिपेट कीजिए। 725 पर वो सौदे होने के चांसेस हैं, आज नॉन रिटेल पार्टिसिपेट करने वाला है इस पर्टिकुलर ओएफएस में। अच्छा, वेरी क्विकली भसीन साहब, सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है आज जिसमें वो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में देखिए हेल्थ और हाइजीन सभी के लिए सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी प्राथमिकता रहने वाले हैं, और ऐसी स्थिति में 3-4 कंपनियों के नाम इन्होंने लिखे हैं अपनी रिपोर्ट में जो सबसे ज्यादा फायदा कमाएंगे इस ट्रेंड के चलते, एचयूएल, नेस्ले और गोदरेज। एचयूएल पर इन्होंने टारगेट दिया है 2600 का जो पहले 2500 का था, गोदरेज कंज्यूमर पर आउट परफॉर्मर की कॉल है 716 का टारगेट है जो पहले 636 का था। क्या क्योंकि ये थोड़ा सा मार्केट अब नर्म होने लगा है, प्रॉफिट बुकिंग की तरफ बढ़ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि इन डिफेंसिव में पैसे बनेंगे, क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए एचयूएल, नेस्ले या गोदरेज जैसे स्टॉक्स में? हाँ बिल्कुल, आपको एचयूएल और आपको ध्यान है हर्षिता, गोदरेज कंज्यूमर एंड आईटीसी हैव बीन टू ऑफ माय टॉप पिक्स, और मैं अभी भी सोचता हूँ आईटीसी विल आउट परफॉर्म लीवर इन दिस रन अप व्हेन वी सी इन द नेक्स्ट 6 मंथ। तो मेरे टॉप पिक्स वहाँ आईटीसी और गोदरेज कंज्यूमर है, आप उसमें एचयूएल भी ऐड कर। नेस्ले फॉर मी इज टू हाईली प्राइस्ड एंड आई वुड अवॉइड दैट। आई थिंक नेस्ले बिलो 15,500 विल मेक अ सेंस, बट दैट इज नॉट अ स्टॉक विच वी आर रिकमेंडिंग। बट हर्षिता, मैं यहाँ एक और आपको जिक्र करना चाहता हूँ, आपके ही चैनल पे हमने 23 रुपए पे बड़ी अग्रेसिवली आपको बीएचईएल कहा था 32-33 हो सकता है, वो देखिए कल 32 रुपए भी मार गया। तो आपको फिर मैं कह रहा हूँ कि मिड कैप्स में जितनी ज्यादा पेसिमिज्म थी वो खत्म हो गई है, और अगले 6 महीने में मुझे लगता है 2 साल की स्टोरीज अगर होंगी तो सब मिड कैप्स होंगी, उसमें से काफी सारे पीएसयूज भी रीरेट हो सकते हैं। तो आपको अपनी सिलेक्शन केयरफुली करनी है, बट डोंट गेट कॉट इन दिस प्रोवर्बियल यू नो जस्ट बाइंग द ग्रोथ स्टॉक्स ऑन वेरी हाई मल्टीपल्स। सम ऑफ द रीजनेबल स्टॉक्स विद वेरी गुड डिविडेंड यील्ड लाइक गैस यूटिलिटीज लाइक आईजीएल, गेल, एमजीएल और सम ऑफ द पीएसयूज लाइक बीएचईएल, बीएल, दे कुड ऑल्सो गिव वेरी वेरी गुड बार्गेन्स इन द कमिंग 6 मंथ्स। उसने गजब का देखिए रिटर्न दिया भी है भसीन साहब। हम लोग आज सुबह सुबह जब स्टॉक 2020 का मुकाबला कर रहे थे तो मैं कुछ पीएसयूज की बात कर रहा था, आरसीएफ देखिए 46 रुपए का भाव है और ये स्टॉक 23 मार्च को 23 रुपए का था, वहां से 100% की रिकवरी दिखा चुका है। फैक्ट की हम लोग चर्चा कर रहे थे आज सुबह सुबह, 24 का भाव था इसका और 6-6 महीने के, डायरेक्टर साहब ये चार्ट दिखाइएगा, देखिए 47 रुपए का भाव है, 100% की रिकवरी दिखा चुका है। फर्टिलाइजर सेक्टर्स, रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर ने बहुत ही गजब का प्रदर्शन लॉकडाउन के समय दिखाया, और इस सेक्टर में चाहे वो दिग्गज कंपनी कोरोमंडल हो या फिर दूसरी कंपनियां, उन्होंने बहुत ही बढ़िया नतीजे भी पेश किए हैं। मुझे याद है आपको रैलिस काफी पसंद था, ये देखिए 3-3 महीने के रिटर्न्स हमारे डायरेक्टर साहब आपको इस समय दिखा रहे हैं। एनएफएल में भी सेम स्थिति है, 16 रुपए 30 पैसे 23 मार्च को स्तर था और अब आप देखिए 28 रुपए का भाव हो चुका है, यानी 70% के शानदार रिटर्न्स। ये बताइए मॉनसून की थीम को अगर प्ले करना हो, भारत की थीम को अगर प्ले करना हो, एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर प्ले करना हो, तो आप किससे प्ले करेंगे, ट्रैक्टर वाली कंपनियों से, फर्टिलाइजर वाली कंपनियों से, या कोई और अगर पॉकेट आपको अच्छी लगती हो स्पेस को प्ले करने के लिए? बहुत अच्छा आपने कहा, आपको याद है 165-170 में मैं कहता था रैलीज विल बी एन आउट परफॉर्मर, और वो 225 का भाव आज भी है इन अ फॉलिंग मार्केट। इसके अलावा हेमंत जी, मैंने 330 पे आपको बहुत जोर से कहा था यूपीएल विल बी द नेक्स्ट रैलीज बिकॉज ऑफ एक्सलेंट रिजल्ट्स एंड द बेस विच इट हैज इन ब्राजील एंड अदर इकोनॉमीज, और आप देखिए यूपीएल के नंबर भी बहुत अच्छे हैं। अभी भी मैं सोचता हूँ 415 रुपए यूपीएल है, आप अगले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए सिप कीजिए, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आपने बहुत अच्छा फरमाया कि ट्रैक्टर एंड एग्री रिलेटेड प्लेस विल डू वेल,
बट उसमें हमने देखा कि एस्कॉर्ट्स और महिंद्रा में काफी रनअप आ चुका है। आई वुड स्टिल वेट फॉर M&M रिजल्ट्स टुडे। मेरे को लगता है वो थोड़े वीक हो सकते हैं, बट अगेन आपको ये नीचे मिले हैं तो शेयर ये लेने वाले हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि रूरल इनकम्स अगर बढ़ेंगी तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट विल एक्सपैंड और टू व्हीलर्स विल डू वेरी वेल। मेरा फेवरेट शेयर वहां हीरो मोटो रहा है और वो एक स्टेलर रन दे चुका है। हीरो मोटो का भाव हेमंत जी इस दिवाली पे आपको 3000 से 3200 में दिखा दूंगा। तो हीरो मोटो वुड बी माय टॉप पिक ओवर देयर एंड यू कैन गो इफ यू आर स्लाइटली मोर रिस्क टेकी देन आइशर मोटर विल फिट इन दैट बिल परफेक्टली। आयशा के भी आज नंबर्स आएंगे तो उस पर भी नजरें रहेंगी। आयशा M&M और हिंडाल्को आज अपने नतीजे पेश करने वाले हैं। चलिए अब बढ़ते हैं पहला सौदा की तरफ जो बहुत ही डिफेंसिव माना जाता है, फार्मा का। भसीन साहब से राय लेते हैं और मुझे याद है भसीन साहब ने जब भारतीय बाजारों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी कोविड की शुरुआत में, तब कहा था कि सिप करिए और सिप करिए फार्मा के सूचकांक में, फंड में और चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में, और उस स्ट्रेटेजी ने बढ़िया पैसा आपको बनाकर दिया। भसीन साहब, फार्मा आज कैसा चलेगा और क्या राय? बिल्कुल हेमंत जी, आपको ध्यान है फार्मा 3 साल से कुछ नहीं कर रहा था लेकिन लास्ट 3 महीने में इट इज द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स, और अभी भी मैं कहता हूँ ये तो शुरुआत है, अगले 2 साल फार्मा को बिलोंग करते हैं। लूपिन, डॉक्टर रेड्डी, कैडिला, इपका लेबोरेटरी, लाल पैथ लैब और सन, ये 5-6 शेयर लीजिए। नहीं तो आपको जैसे कहा SBI फार्मा और निपॉन फार्मा, ये दोनों फंड में बने रहिए बिकॉज दीज फंड्स हैव अ वेरी गुड पेडिग्री, प्रोफेशनल मैनेजर who will segregate between generic and API and so on. But pharma is something you should not miss out. And even in weak markets like this, you should accumulate pharma stocks. जी के स्टॉक पे, क्योंकि यहाँ पे नतीजे अच्छे हैं लेकिन बाजार के साथ शायद आपको एक वीक ओपनिंग देखने को मिलेगी। वसीन साहब, ऐसे स्ट्रॉन्ग शेयर्स जिन्होंने लगातार आउट परफॉर्म किया है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, मार्केट के फेवरेट है, डिक्सन पे क्या कॉल है आपकी? किस लेवल पे आप कहेंगे कि मौका मिले तो खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि कुछ ऐसे स्टॉक है जहां पे लोग कह रहे थे हमें मौका ही नहीं मिला, हम तो चूक गए, इतना बड़ा डिप आया और हम ले नहीं पाए। प्रदीप, मैं इस पे नहीं और टिप्पणी दूंगा क्योंकि ये हमारी इंस्टीट्यूशनल कवरेज में है, बट जैसे मैंने आपको कहा मिड कैप में देर इज अ होल होस्ट ऑफ स्टॉक्स एंड सेक्टर जहां री रेटिंग है। अभी हेमंत ने सब जिक्र किया कैसे कुछ स्टॉक्स फर्टिलाइजर के, केमिकल के, BHEL जैसे जो बहुत बढ़ चुके हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, और अभी भी मेरा व्यू कायम है कि सितंबर के बाद जो 2-3 साल हैं वो मिड कैप को ही बिलोंग करेंगे। तो अगर आप अच्छे शेयरों में हैं या आपको खोज है या आपको रेकमेंड है या आपके एडवाइस है, यू शुड एक्यूमुलेट दो स्टॉक्स इन दीज टाइप्स ऑफ अनसर्टेंटी।